स्पीकर स्पीकर कौन सा स्पीकर ये वाला सर ये सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी स्पीकर सर बताइए जी सर हमको तेज बोलने से कोई फायदा नहीं होगा हमको अपने वर्क को बेटर करना चाहिए हम मतलब तेज चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा हमें अपने वर्क के थ्रू बोलना चाहिए सर बट दूसरी साइड सोचे तो नेगेटिव पॉइंट भी बनेगा क्योंकि आजकल का जो टाइम है वहाँ पे सिर्फ उसी की सुनी जाती है जिसकी आवाज बुलंद होती है नो बट बट वर्क के थ्रू नहीं नहीं खड़े हो प्लीज स्टैंड अप हाँ हाँ बात इन्होंने आपके आपके पॉइंट को कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हो वो बकवास है तो आपको क्या कहना है बचपन में मुझे ना लड़वा के बड़ा मजा आता था बेड पे एक रिंग बनती थी उस टाइम पे WWF बड़ी चलती थी तो भाई बहन को लड़वाता था मैं और भाइयों को दो भाइयों को आपस में मारो पीटो वो हाँ सपोज कोई पॉलिटिशियन है वो चुनाव ना उससे पहले कुछ भी बोले कि हम ये करेंगे वो करेंगे बट वो नहीं करते हैं तो हम उनको नेक्स्ट टाइम नहीं सिलेक्ट करेंगे ना हम किसी आपका क्या कहना है इस बारे में आप सोचिए कि यहाँ पे चार लोग हैं सेम थिंग सेम यही सोच रही है सेम ये भी सोच रही है बट ये बोल नहीं पा रहे हैं पर इनमें कोई एक चाहिए ना जो जिसकी आवाज बुलंद हो तो सुनी उसी की जाएगी जो आवाज बुलंद होने से फायदा नहीं है बट ये कहना चाह रही है कि आप जो कह रहे हो बकवास है क्योंकि आवाज बुलंद होने से कोई फायदा नहीं है दिस इज व्हाट शी इज सेइंग आप कह रहे हो आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए आप कह रहे हो आवाज बुलंद होनी चाहिए तो मैं मतलब किसकी मानूं मतलब कौन हारा कौन जीता ये तो पहले ये हो जाए नहीं मैं एक का हाथ ऊपर करके विनर इज व्हाटएवर हां कौन हार मान रहा है आप दोनों प्लीज ऐसी मजाक कर रहा हूँ थोड़ा और तो नहीं लग रहा ना ठीक है चलता है ना हाँ ठीक है देखो अगर इसको मैं कंक्लूड करूँ आपके दोनों के पॉइंट्स को तो शॉर्ट टर्म में तो उसकी सुनी जाएगी जिसकी आवाज़ बुलंद है कि जैसे अगर कोई बहुत कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो एकदम सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा लेकिन उसके बाद में देखा जाएगा कि वो बोल क्या रहा है उसका कॉन्टेंट क्या है उस बात में कितना दम है और बात में दम कहाँ से आता है एक्सपीरियंस से आता है उस बंदे में कितना दम है बिल्कुल ठीक बात है वो नॉइज बन जाएगा उसमें हम इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे हाँ वो स्पीकर बेकार हो गया स्पीकर की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है क्लैरिटी ऑफ वॉइस ऐसे ही हमारी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कितना बोलते हैं कितना सोचते हैं इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और वो कहां से आती है वो आती है पैशन से इफ यू आर पैशनेट अबाउट द टॉपिक ऑन विच वी आर स्पीकिंग इफ यू हैव गॉट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी आर टचिंग तो वहां से क्लैरिटी आ जाती है अब कोई टॉपिक है उसका मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि भाई इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है एक बारहवीं पास आपको क्या बताएगा कि उसे तो वहां पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता वहां पे मैं जो भी बोलूंगा दैट्स गोइंग टू बी अ नॉइज वो शोर हो जाएगा लेकिन अगर मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं जिस पे कि मैंने काम किया है तो वहां पर एक अजीब सी आपको एक क्लैरिटी नजर आएगी किसी भी अच्छे स्पीकर की पहचान ये है अगर इस स्पीकर की बात करूं या किसी पब्लिक स्पीकर की बात करूं या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल का जो एसेंस है वो ये है कि किस तरह से वो पर्सन उस टॉपिक को आपसे रिलेट कर सकता है दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ स्पीकर जो आ सकती है सिर्फ तब जब उसने उस टॉपिक को खुद से रिलेट कर लिया है सिर्फ अपनी मेमोरी में फीड नहीं किया है तो अगर आप खुद से कनेक्ट करके इस दुनिया को समझ पाओ इस यूनिवर्स को समझ पाओ किसी भी काम को समझ पाओ तो आप इसी तरह से औरों से रिलेट करके उनको समझा भी सकते हो तो आप क्या बन सकते हो आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर बन सकते हो फिर आपके मुंह से चाहे एक वर्ड बाहर आए चाहे हजारों वर्ड्स बाहर आए एक एक वर्ड के पीछे एक अजीब सी पावर होगी एक स्ट्रेंथ होगी एक क्लैरिटी होगी सुनने में मजा आएगा लोग सुनेंगे इसका मतलब वो स्पीकर काम का है सर आप किधर है बनना है तो एक स्पीकर की तरह बनो स्पीकर क्या है सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है अपने आप को एक स्पीकर को उठा करके आप किसी वेडिंग में रख दोगे तो वहां पे धूम धड़ाका शुरू हो जाएगा उसके अंदर से लोग नाचने लग जाएंगे और उसी स्पीकर को उठा करके कहीं पर आप किसी की तेरहवीं पे रख दोगे वहां पे धांधू नहीं आएगी
वहां पे वही आएगी जो आनी चाहिए. तो जो सिचुएशन होती है, जगह होती है, उसके हिसाब से स्पीकर में से कुछ आ रहा होता है. यानी कि जो स्पीकर के पीछे है, जो उसके पीछे से बोल रहा है, वो क्या बोलना चाहता है, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता है. तो आपके अंदर से बहुत कुछ आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसको पूरी तरह से आने नहीं देते. स्पीकर अगर इंटरफेयर करे, कोई बंदा जो बोल रहा है स्पीकर के थ्रू, वो बीच में अपना ही कुछ ऐड करने लग जाए, तो स्पीकर किसी काम का नहीं है. स्पीकर की अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है, कि जो पीछे से माइक से बोला जा रहा है वही स्पीकर में से आ रहा है, बीच में कुछ मिलावट नहीं है. दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छा स्पीकर है. जितनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ वो आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छा स्पीकर है. पीछे से कोई बोल कुछ रहा है, उसके साथ में एको आ रही है या कुछ भी अजीब सा हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी स्पीकर. तो अगर हमको ये समझ आ जाए कि जो हमारा बेसिक नेचर है उसके पास रहेंगे, जो बेसिक नेचर है वो है हम सबका सच बोलने का. बाई नेचर हम कैसे होते हैं, बचपन में हम सब क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं? सच बोलते हैं ना. बाई नेचर हम क्या हैं, हम सच बोलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं? सच बोलने वाले हैं. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई, आप कह सकते हो जो हमारा बेसिक नेचर है उसमें मिलावट हो गई. तो जितना हम अपने बेसिक नेचर से जुड़े रहेंगे, उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग डीप होती चली जाएगी. अगर हमारी आदत है झूठ बोलने की, तो आज आप दूसरों से झूठ बोलोगे और कल आप अपने आप से झूठ बोलोगे. ऐसा हम करते भी हैं, बहुत करते हैं. जब एक्सरसाइज करना होता है तो हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे होते, अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि छोड़ ना कल कर लूंगा. आपको पता है नहीं करोगे समझ गए, तो किसको धोखा दे रहे हो? क्योंकि आदत पड़ गई झूठ बोलने की, तो हम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं. अगर उस वक्त हमारी सच बोलने की आदत हो, तो हम क्या बोलेंगे अपने आप को, मैं कोई कल नहीं करने वाला, अगर आज नहीं करी तो. जब आज ही नहीं कर रहा तो कल क्या खाक करूंगा. ये है अपने आप को सच बोलना. Truth is a very, very big power as far as clarity in life is concerned. कि जो है जैसा है as it is, बिल्कुल एक mirror की तरह, जैसे mirror अपनी तरफ से कुछ add नहीं करता है, जो भी होता है उसको as it is दिखा देता है, that is truth. तो जब हम इस तरह से देखते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे जो भी कुछ है वो सब as it is हमको दिखने लग जाता है. ज्यादा हो गया, ज्यादा डीप हो गया, हो गया है थोड़ा सा, कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी इस बात से? इट्स नॉट अ मॉरल साइंस क्लास दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सच बोलना चाहिए, अरे झूठ बोलो ना, क्या दिक्कत है. बट द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सच बोलने से क्या होता है और झूठ बोलने से क्या होता है. जो झूठ बोलता है वो आज दूसरों से बोलता है तो बाहर भी फंसता है, क्योंकि उसका रिलेशन लंबा नहीं चलेगा, लोगों को पता लग जाएगा तो झूठा है, उस पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा. जिस पे कोई विश्वास नहीं करेगा वो लाइफ में आगे क्या खाक बढ़ेगा. सर किसी कॉन्सिक्वेंसेस में आप फंस गए हैं और अब सच बोलते हैं तो हमें पता है बहुत नुकसान हो जाएगा, तो फिर झूठ बोलना पड़ता है फिर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा नहीं और भी लोगों का हो जाएगा, तो उन लोगों का ना हो, अपना ना सोच के, पर उन लोगों के लिए भी बुरा ना हो, इस वजह से इसे बोलना पड़े, तो व्हाट टू डू. कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर झूठ बोलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस. कम से कम अपने आप से तो सच बोलो, दैट इज इंपॉर्टेंट. खुद से झूठ नहीं बोलना है, दैट इज सच. और धीरे धीरे अगर आप अपना इस लेवल को बढ़ा सको, यानी कि खुद से सच बोलना है, शुरुआत यहां से हो, और धीरे धीरे बाहर भी सच बोलना है, इन 99.99% ऑफ द केसेस, 0.01% ठीक है, चलता है जी, अपनी जान बचाने के लिए, किसी और की जान बचाने के लिए आप कर रहे हो, या किसी और को बुरा ना लगे, अननेसेसरी कोई हर्ट ना हो आपके सच की वजह से, तो आप नहीं बोल रहे हो, ठीक है, मोटिव अच्छा ही है ना पीछे से आपका. बस कहने का मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं, आप बिल्कुल सीधे साधे हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली सीधा साधा हो जाना मतलब सिद्ध हो जाना. योगा में एक वर्ड होता है सिद्ध, आप लोगों को पता नहीं होगा, सिद्धि, ये सबसे बड़ी सिद्धि है. लोग सिद्धियां किसको समझते हैं, पानी पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ये सिद्धियां किसी काम की है? आपने 20 साल तक कुछ प्रैक्टिस करी, 20 साल बाद क्या हुआ, अब आप पानी पे चल सकते हो, अब आप पानी में डूबोगे नहीं, तो उसको बोलो अबे बोल दो, ठीक है, अबे खच्चर तूने अपने 20 साल खराब करे लाइफ के, किस लिए कि तू पानी पे चल के इस नदी के यहां से वहां पहुंच सके, इस अच्छा 5 रुपए बोट वाले को देता. सोचो ये, चलो मान लो ये करके उड़ गए, अबे कौवा भी उड़ता है तो उड़ के तूने क्या क्या उखाड़ लिया. हैव यू गॉट पीस ऑफ माइंड?
सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि आप बिल्कुल सीधे साधे हो गए, जो जैसा है वैसा दिख जाता है आपको सब कुछ। तो सर जो सच किसी और के लिए सच है वो हमारे लिए झूठ हो सकता है? वो सच नहीं है। जो सच किसी के लिए सच है किसी के लिए झूठ है वो सच नहीं है। जो सच सबके लिए सच है इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट वो सच है। सर बट जो हम कलर्स देख रहे हैं वो हमें लगता है सच है, लेकिन अगर उसकी रियलिटी पे जाए वो तो झूठ है, क्योंकि समुद्र का पानी नीला दिखता है लेकिन पानी का कोई कलर नहीं होता। नहीं, कलर्स दिख रहे हैं ये सच है, ये झूठ नहीं है। बारिश हुई, पानी की कुछ बूंदे गिरी, उसमें से लाइट पास हुई और एक रेनबो दिख रहा है, क्या वो रेनबो झूठ है? अरे सच है, दिख रहा है, मतलब आंखों से दिख रहा है, सच है। लेकिन अगर हम कहें यही सच है तो ये इनकम्प्लीट सच है, समझ गए? बट रेनबो है, लाइट वहां पर है, ये सच है। अगर आप कहो वहां पर रेनबो है ही नहीं तो ये झूठ हो गया। सिंपल है ना, मतलब सच बहुत ही सिंपल है, सच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। रेनबो है, सच है, बट ये जो रेनबो आया ना ये परमानेंट है, ये हमेशा के लिए रहने वाला है, ये क्या है? झूठ है। रेनबो कुछ देर के लिए रहने वाला है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सम कंडीशंस, जैसी वो कंडीशंस चेंज होंगी रेनबो दिखना बंद हो जाएगा, ये सच है। समझ गया ना, एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रेनबो के पीछे, एक मिनट समझो, रेनबो के पीछे जो लाइट है उसका कोई कलर नहीं है, बट रेनबो के पीछे लाइट है, ये सच है झूठ है? सच है। इसको समझ लेना, मैं लेयर्स को टच कर रहा हूँ एक एक करके, अगर आप देख पाओ कि सच को कैसे देखते हैं। इसको कोई चैलेंज कर सकता है जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ अभी? नो सर। तो ये सच है, इसको कैसे चैलेंज करोगे? स्टेप बाय स्टेप बता दो। तो उसके पीछे जो लाइट है उसका अपना कोई कलर नहीं है, ये सच है झूठ है? अब ये आपको कैसे पता लगेगा? अर्थ है वहां पर, सन है, उसके बीच में अगर आप देखोगे तो डार्कनेस है, तो लाइट नहीं दिखती है। लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस पे पड़ के तब दिखती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सरफेस उसके हिसाब से दिखती है। या तो वो ट्रांसमिट होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन के कहां से वो ट्रांसमिट हो रही है, किसी क्रिस्टल में से ट्रांसमिट होगी तो जो उस क्रिस्टल की क्वालिटी है उसके हिसाब से लाइट दिखती है। क्या वो जो दिखता है वो पूरी लाइट है या लाइट का एक छोटा सा एस्पेक्ट है? ज्यादा हो रहा है, नहीं रहा है, मजा आ रहा है। एक रेनबो है, आप कह रहे हो ये रेनबो लाइट में जो कुछ भी है वो उस रेनबो में दिख गया है, ये सच है झूठ है? क्या उस लाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं है? क्या उस लाइट में इंफ्रारेड रेज नहीं है? तो लाइट में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, हम एक उस लाइट के लिमिटेड एस्पेक्ट को देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेशन ऑफ आवर सेंसेस, ये सच है झूठ है? आंखों की लिमिटेशन है, बट अगर आंखों के आगे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दें तो हम कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं जो अभी इन आंखों से हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, ये सच है झूठ है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको सब कुछ नहीं दिखा सकता है, देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो अस एवरीथिंग, तो इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड, लाइट इज नॉट लिमिटेड। समझ गए? नहीं समझे, कहां समझे। तो ऐसे ही जब हम देखते हैं चीजों को तो बड़ी क्लियरली चीज नजर आने लग जाती है। तो यहां से क्या निकला, अगर कुछ आपको समझ आया आज कुछ अगर सच समझ आया सच को कैसे देखते हैं, तो ये सब जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? लाइट है, वो लाइट जिसमें कोई कलर नहीं है, लाइट का खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन ये सब कलर्स उसी लाइट के हैं, ये भी सच है। अब देखो ना कितना मजेदार है सच, इट लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रूथ। झूठ में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होती है, जो मैं कह रहा हूं ना वही सही है, वहां पे कोई कॉन्ट्रोडिक्शन ही नहीं है, तो है भाई, ठीक है तू मानता रहे, किसी ने कुछ पकड़ लिया किसी ने कुछ पकड़ लिया, अपनी इल्यूजन्स क्रिएट कर ली, नहीं 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 जो इस किताब में लिखा हुआ है वही सही है, जो इधर लिखा है वही सही है, जो इधर लिखा है वही, सब झूठ है। सच में आपको कॉन्ट्रोडिक्शन नजर आती है, देर इज ब्यूटी इन दैट, देर इज डेप्थ इन दैट। कोई भी चीज झूठ होगी तो बड़ा शैलो होगा, उसमें डेप्थ नहीं नजर आएगी, यहां पर डेप्थ नजर आएगी, इस बात की गहराई को आप देख पा रहे हो। लाइट इज कलरलेस, बट सारे कलर्स लाइट में ही है, जैसा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे वैसा ही दिखने लग जाएगा। क्या दिख सकता है? कुछ भी दिख सकता है, ऐसा ही है यूनिवर्स है, देयर इज एन अंडरलाइंग रियलिटी इन दिस होल यूनिवर्स।
विच इज द वेरी सब्सटेंस फॉर एवरीथिंग, जिसको हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उस सबका एक सोर्स है, एक एसेंस है. उसमें खुद में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज उसी में है. उसमें कुछ भी नहीं है, ये भी सच है, और सब कुछ उसी में है, ये भी सच है. दोनों सच है.